तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट पॉवरेशन के ऊपर। गाइस, तो आज की वीडियो में लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए माइनक्राफ्ट पॉवरेशन में थैनोस का आर्मर गाइस, और उसका हैंड यानी कि गाउनलेट बोल सकते हो आप लोग उसको, और की स्वॉर्ड स्वॉर्ड गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अभी मेरे पास स्वॉर्ड है, उससे आप लोग बेडरॉक तक भी ब्रेक कर सकते हो गाइस। तो किस तरह से इसको डाउनलोड करना है, किस तरह से इसको यूज करना, मैं सभी चीजें बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहेगा, इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी भी मैं बता दूंगा गाइस। तो गाइस, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको फटाक से लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। जिप फाइल वगैरह नहीं होने वाली, सीधा एमसी एडॉन होगा। डाउनलोड कीजिएगा, फाइल पर क्लिक कीजिएगा, इंपोर्ट कर लीजिएगा माइनक्राफ्ट पॉवरेशन में अपने गाइस। उसके बाद एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लीजिएगा गाइस। मैं यहाँ पे एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ, उसी तरह से आप लोगों को भी एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर देना गाइस। तो जल्दी से मैं यहाँ फटाक से एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ गाइस। तो यहाँ पे सर्वाइवल से कर लेता हूँ मैं यहाँ पे क्रिएटिव। यहाँ क्रिएटिव करने के बाद आपको जाना नीचे यूज एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑप्शन दिखेगा, इसको कर लीजिएगा एक्टिव। उसके बाद जाइएगा रिसोर्स पैक में, माय पैक में जाइएगा गाइस। यहाँ पे आपको दिख जाएगा थानोस का आर्मर, इसको कर दीजिएगा आप लोग एक्टिव। और इसको एक्टिव करने के बाद आपको जाना फिर से अपने बिहेयर पैक में, बिहेयर पैक में जाने के बाद माय पैक में जाएगा, और यहाँ पे भी आपको दीजिएगा थानोस का आर्मर, तो इसको भी कर लीजिएगा आप लोग एक्टिव गाइस। तो यहाँ पे इसको भी एक्टिव करने के बाद आपको फटाक से कर लेना है वर्ल्ड को क्रिएट गाइस। तो यहाँ पे मैं अपना वर्ल्ड कर लेता हूँ क्रिएट। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे वर्ल्ड हो रहा है क्रिएट गाइस। जब तक अपना वर्ल्ड होता है गाइस क्रिएट, आप लोग कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा गाइस। तो गाइस, अभी हम लोग हो चुके हैं स्पॉन, आप लोग देख सकते हो गाइस। अब मैं बताता हूँ आप लोग किस तरह से आर्मर को क्राफ्ट करना है, किस तरह से लेना है गाइस, और यूज कैसे करना है, सभी चीजें बताऊंगा। तो वीडियो का आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा गाइस। थोड़ा सा कहीं चल जाते हैं सुरक्षित जगह पे, थोड़ा खुली जगह पे बनाते हैं आर्मर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको इसको कमांड गाइस, की कमांड से भी आप लोग ले सकते हो, प्लस इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी बता दूंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे कमांड लिखना है /give@p, और उसके बाद पी ए लिख करके आपको यहाँ पे दो डॉट वाले साइन होता है, इसको दे देना है। उसके बाद आपको देखिएगा यहाँ पे थानोस आर्मर, थानोस गाउनलेट और थानोस स्वॉर्ड गाइस। ठीक है, यहाँ पे तो आपको तीन चीजें मिलने वाली है, आर्मर, यहाँ उसका हैंड, और यहाँ पे आपको एक स्वॉर्ड भी मिलेगी गाइस थानोस की गाइस। तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख करके आप लोग तीनों में से किसी चीज को लिख करके उसको ले सकते हो चीज। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ आर्मर, तो थानोस ए आर्मर लिख लेना आपको कुछ स्टेप्स, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्मर। इसको कमांड का यूज करके आप लोग बना ले सकते हो गाइस। मैं बताऊंगा आपको आगे जाके वीडियो में कि आप लोग इसकी तरह से इसको सर्वाइवल में भी क्राफ्ट कर सकते हो, इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी में बता दूंगा गाइस आगे जाकर के। तो गाइस, अभी अब मैंने ले लिया तीनों चीजें यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आर्मर है, यहाँ पे मेरे पास हैंड है, और यहाँ पे मेरे पास स्वॉर्ड है गाइस। तो इस आर्मर को मैं पहन लेता हूँ गाइस। इसको पहनने के बाद मुझे मिल जाएगा स्पीड, हेस्ट, स्ट्रेंथ, और यहाँ पे जंप बूस्ट, रीजनरेशन और स्नो फॉलिंग गाइस। आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे मेरी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, प्लस यहाँ पे मेरे को यहाँ पे जंप बूस्ट मिलता है, स्नो फॉलिंग मिलता है, और हैस्ट की मदद से हम लोग कोई भी ब्लॉक को तोड़ सकते हैं गाइस। काफी स्पीड में हम लोग तोड़ सकते हैं हैस्ट की मदद से अभी, लेकिन हम लोग क्रिएटिव में तो कोई भी ब्लॉक टूटेगा तो पता नहीं चलेगा। पर सर्वाइवल में जब मैं जाऊंगा तब तो आपको दिखाऊंगा गाइस। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं सबसे पहले इसका हैंड का कमाल गाइस। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक हैंड का, यहाँ पे एक यहाँ पे ब्लास्ट में कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है गाइस। यहाँ पे पानी था इसलिए ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, पर यहाँ पे देखो गाइस, किसी को भी पड़ता है इसका एक शॉट तो वो मर जाता है। प्लस यहाँ पे धमाका भी काफी खतरनाक वाला होता है गाइस। अभी देखो यहाँ पे कितना ज्यादा धमाका हो चुका है कि यहाँ पे रेंडर भी नहीं हो रहा गाइस। यहाँ पे देखो यहाँ पर ब्लॉक था बट वो अभी तक रेंडर ही नहीं हुआ इसको। यहाँ पे पेड़ भी लगा हुआ है बट यहाँ पे थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे गायब भी हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे काफी बड़ा धमाका करता है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो दो दो यहाँ पे सीप है, और यहाँ पे मैं करता हूँ धमाका, क्या होगा देखते हैं। और गाइस यहाँ पे दोनों के दोनों सीप मर चुकी है, और कितना बड़ा यहाँ पे धमाका हो चुका है गाइस, गड्ढा हो चुका है पूरी तरह से। अब मैं इसको गड्ढे को पूरा बेडरॉक तक करने वाला हूँ गाइस। तो देखो यहाँ पे मैंने इस गड्ढे को कर दिया, और नीचे कितना जल्दी यहाँ पे गड्ढा हो चुका है, कितने ज्यादा अंदर। तो एक और बार फेंकते गाइस यार, यहाँ पे एक और बार हो चुका है यहाँ पे गड्ढा, और काफी ज्यादा अंदर हो चुका है इस बार। तो और एक बार और फिर से करते हैं गाइस। तो यहाँ पे अभी फिर से किया मैंने इसका इस्तेमाल, और काफी ज्यादा यहाँ पे धमाके द्वारा एक्सप्लोजन होता है गाइस। इसलिए ज्यादा देर मत इसको होल्ड करके रखिएगा, वरना आपका हो जाएगा वर्ल्ड लैग, क्योंकि काफी ज्यादा ब्लॉक टूटने की वजह से आपका माइनक्राफ्ट कर सकता है हैंग गाइस, यानी कि ये हो सकता है हैंग हो जाए आपका माइनक्राफ्ट। तो इस टाइप से मत कीजिएगा ज्यादा, यहाँ पे होल्ड करके मत रखिएगा, वरना हो सकता है आपको हैंग हो जाए माइल्डी। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं और नीचे एक्सप्लोर गाइस। तो देख सकते हो कितना नीचे यहाँ से हम लोग आ चुके हैं गाइस, और यहाँ पे एक लास्ट एक्सप्लोजन और पहुंच चुके हम लोग बेडरॉक तक गाइस। आप लोग देख सकते हो काफी कम टाइम में हम लोग बेडरॉक तक यहाँ पे एक्सप्लोर कर करके पहुंच चुके हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी शॉर्ट का कमाल गाइस। तो शॉर्ट से आप लोग बेडरॉक को भी माइन कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे शॉर्ट ले लेते गाइस, और जस्ट आपको यहाँ पे किसी भी बेडरॉक के पास आपको जाके सट जाना, वहां पे जैसे ही सट होगा गाइस आपको बेडरॉक वहां पे माइन हो जाएगा गाइस, यानी टूट के आपको मिल भी जाएगा गाइस। आप लोग देख सकते हो मैंने इसको तोड़ा और मुझे यहाँ पे बेडरॉक मिल भी चुका है गाइस। यहाँ पे अगर आप लोग क्रॉस हो जाते हो गाइस तो आपको आराम से यहाँ पे बेडरॉक तोड़ सकते हो गाइस। यहाँ देखो मैंने किस तरह से बेडरॉक ले रहा हूँ काफी आराम से गाइस। तो मैं आपको सर्वाइवल में भी बेडरॉक तोड़ के दिखा दूंगा गाइस। अभी तो हम लोग क्रिएटिव में, तो क्रिएटिव में आपको दिखा रहा हूँ बेडरॉक तोड़ करके, पर मैं आपको सर्वाइवल में भी क्रिएटिव दिखा दूंगा गाइस। तो यहाँ पे जैसे मेरी स्किन भी बदल चुकी है गाइस। यहाँ पे जैसे ही आप लोग आर्मर पहनोगे आपकी स्किन भी थानोस की तरह पूरी हो जाएगी गाइस। हम लोग चलते हैं यहाँ से ऊपर गाइस। तो यहाँ पे चलते जल्दी से ऊपर, आपको मैं दिखाता हूँ इसका फ्रंट व्यू एक बार, और उसके बाद चलते सिर्फ से सर्वाइवल में, और सर्वाइवल में भी इसको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या इसको पावर है, और किस तरह सर्वाइवल में इसको दिखाऊंगा गाइस। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले थानोस का स्वॉर्ड आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ विदर स्पॉन करते हैं, और विदर को भी मैं किल करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे कहते हैं समॉन विदर, तो यहाँ पे विदर लिख करके समॉन कर देते हैं और उसको किल करते हैं अपनी वेदर स्वॉर्ड से गाइस। नेदर स्वॉर्ड बोल रहा हूँ, वेदर स्वॉर्ड बोल रहा हूँ गाइस मैं, इसको क्या बोलते हैं थानोस स्वॉर्ड से कर लेते हैं किल गाइस। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे विदर अपना आ चुका है, अब मैं इसको किल करने वाला हूँ गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ भाई, धमाका कर ले। ओके अपने विदर भैया, हम आपका डाटा बाय बाय। हर एक बेचारे हर एक वीडियो में आते हैं और हर एक वीडियो में जाके मर जाते हैं गाइस। तो देखो गाइस एक हिट पे किल हो चुका है गाइस। अब मैंने इसकी थोड़ा डैमेज ज्यादा रखा है गाइस, और मैंने थानोस हैंड का थोड़ा कम डैमेज रखा है गाइस, क्योंकि ये धमाका इतना ज्यादा करता है गाइस कि इसका डैमेज वही काफी है गाइस। इसका मैंने ज्यादा डैमेज नहीं रखा, बट शॉर्ट का मैंने डैमेज रखा है काफी अच्छा, जिससे कि आप लोग किसी से भी लड़ सके गाइस। तो यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे फ्रंट पर्सन में आपको दिखाता हूँ एक बार फ्रंट से इसका लुक गाइस। तो यहाँ पे फ्रंट पे कर लेते हैं इसका लुक, तो आपको देखिए यहाँ पे जल्दी कर लेते हैं। और मैं आपको सवाल में भी जाकर दिखाता हूँ इसके कितने हर्ट्स है गाइस। तो यहाँ पे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी भी। यहाँ पे चल देते हैं फ्रंट पे गाइस, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का इसका लुक मिल जाएगा आपको। देख सकते हो आर्मर कुछ इस टाइप का दिख रहा है गाइस। तो मैंने इसको ये स्किन दे दिया गाइस, बाकी मैंने स्किन कब से ट्राई कर रहा था बट वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रही थी, बट ये स्किन अच्छे से वर्क कर रही, तो मैंने इसको लगा दिया गाइस। और देख सकते हो वहाँ पे हैंड में भी लगा दिया, तो काफी रियलिस्टिक टाइप का हैंड भी यहाँ पे मैंने देने की कोशिश किया था इसको, बट पता नहीं इसका ग्राफिक्स बाद में घट जा रहा है गाइस। अभी आप लोग देख सकते हो मैं हो चुका हूँ सर्वाइवल में गाइस, और आप लोग देख सकते हो मेरे हर्ट्स बढ़ गया है 3 गुना गाइस। सबसे पहले यहाँ पे डे कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ देख सकते हो मेरे हर्ट्स यहाँ पे 3 3 गुना बढ़ चुके हैं गाइस। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ सर्वाइवल में है, और मैं अभी विड्रॉ माइन करके भी दिखाता हूँ। तो गाइस अगर हम लोग इसको हाथ से माइन करना चाहते हैं, हाथ से हम लोग माइन नहीं कर सकते बेडरॉक को, प्लस यहाँ पे वाला अगर, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने शॉर्ट से माइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हाथ से अपने किसी चीज को काफी तेजी से तोड़ सकते हैं गाइस। देख सकते हो मैं यहाँ पे हाथ से जस्ट लाइक क्रिएटिव मोड में हम लोग जैसे तोड़ते गाइस, उसी तरह से हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। लेकिन अब मैं दिखाता हूँ थानोस शॉर्ट का कमाल गाइस, जो कि बेडरॉक को भी तोड़ सकता है गाइस। आप लोग देखो यहाँ पे मैं सर्वाइवल में हूँ, पर मैंने यहाँ पे बेडरॉक को भी तोड़ दिया गाइस। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना कमाल का यहाँ पे शॉर्ट है, प्लस इसका अटैक डैमेज काफी ज्यादा है, जिसको भी वन हिट वन किल कर देता है गाइस। यहाँ देखो ये है अपना सीप, इसको भी कर दिया मैंने एक बार में किल। और यहाँ पे एक और सीपर गाइस, यहाँ पे अपना फ्लाइंग जंप करके किल करते हैं इसको, तो ये भी हो चुका है किल गाइस। तो चलिए गाइस अब हम लोग जान लेते हैं इसकी इसकी क्या बोलते हैं क्राफ्टिंग रेसिपी गाइस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं गाइस। तो गाइस आपको क्राफ्टिंग रेसिपी के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्राफ्टिंग टेबल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी हेलमेट की क्राफ्टिंग रेसिपी। यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल आपको लेना है सिंपली सिंपली। क्राफ्टिंग टेबल लेने के बाद आपको क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस कर लेना है, और उसके बाद मैं बता दूँ क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी गाइस। सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे गोल्ड गाइस, तो यहाँ पे आपको गोल्ड का ब्लॉक लेना पड़ेगा, प्लस आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा ऑक्सीडियन गाइस। तो मैं यहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक ले लिया हूँ, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ से ऑक्सीडियन गाइस। तो आपको किस तरह से उसको प्लेस करना, ऑक्सीडियन को आपको रखना बीच में, और यहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक रखना कुछ इस स्टेप से जैसे मैं रख रहा हूँ गोल्ड का ब्लॉक, उसी तरह से रखना आपको चारों साइड में, बस एक साइड को छोड़ देना गाइस। यहाँ पे इस टाइप से रखे हुआ आपको मिल जाएगा थानोस का आर्मर, तब लोग देख सकते हो उसको पहन, यहाँ पे पहनोगे तो आपको मिल जाएगा स्किन वगैरह भी। तो गाइस अब चलते हैं अपने थानोस के हैंड की ओर गाइस। तो हैंड किस तरह से बनाना मैं बता देता हूँ ध्यान से, पूरे तो गाउंटलेट कैसे बनाना गाइस। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गोल्ड का इंगेट लेना है, गोल्ड की इंगेट लेने के बाद आपको गोल्ड का ब्लॉक लेना है, डायमंड का ब्लॉक लेना गाइस, एक डायमंड का ब्लॉक लेना है, उसके बाद आपको लेना है एक आयरन का ब्लॉक गाइस। तो ये 3 तरह के ब्लॉक आपको ले लेने हैं, कुछ इस टाइप से मैं ले लेता हूँ आयरन का ब्लॉक भी। यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप से रखना है आपको गोल्ड को, गोल्ड की गेट को कुछ इस टाइप से। सबसे पहले आपको रखना है गोल्ड का ब्लॉक, फिर बीच में रखना है डायमंड का ब्लॉक, उस कॉर्नर में रखना है आपको यहाँ पे आयरन का ब्लॉक। आपको मिल जाएगा यहाँ पे थानोस का गाउंटलेट गाइस, जिसकी मदद से आप लोग फायर कर सकते हो जस्ट लाइक बोले तो हैंड मिल जाएगा गाइस आपको। अब चलते हैं अपने अगले चीज की ओर गाइस, जो कि अपना यहाँ पे थानोस का स्वॉर्ड गाइस। तो स्वॉर्ड बनाने का काफी इजी रेसिपी रखी हुई है मैंने, थोड़ा काफी इजी है इसको बनाना। जस्ट आपको यहाँ पे दो यहाँ पे लेना है, यहाँ पे इंगेट लेना है आपको, यहाँ पे गोल्ड का बीच में रखना है, और यहाँ पे रखना है आयरन का ब्लॉक, और इधर आयरन का ब्लॉक गाइस। जैसे ही रखेगा आपको मिल जाएगा थानोस स्वॉर्ड गाइस, जिसका अटैक डैमेज काफी मजेदार है गाइस, काफी ज्यादा मिल जाएगा आपको इसका अटैक डैमेज। तो मैंने सभी रेसिपी बता दी आप लोगों को, चलिए आप जान लेते हैं थोड़ी सी और इसके बारे में गाइस, स्वॉर्ड के बारे में। तो गाइस यहाँ देख सकते हो स्वॉर्ड का अगर आप लोग क्या हो तो यहाँ पे किसी चीज को भी माइन कर सकते हो, अगर इसको आप लोग हाथ में लिए रहोगे और कहीं पे भी जाओगे ब्लॉक के आगे, क्या आप लोग यहाँ ऑटोमेटिकली माइनिंग करते रहेगा आपके लिए। तो देख सकते हो कैसे भी आप लोग किसी भी ब्लॉक के अंदर जाओगे तो ये माइनिंग कर देगा, सभी ब्लॉक को माइन कर देगा गाइस। तो ये काफी अच्छी चीज है इसमें, तो देख ही सकते हो गाइस मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, जस्ट आपको थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा तो आराम से आप लोग किसी भी ब्लॉक को भी तोड़ सकते हो गाइस। तो काफी अच्छी चीज़ है, किसी भी ब्लॉक को यानी कि बेडरॉक तक को भी तोड़ सकते हो गाइस, और चाहे कोई भी अगर आपको रास्ता बनाना तो आप आराम से उसको तोड़ सकते हो गाइस। तो यहाँ पे बस इतना ही, और गॉनलेट का आप लोग देख सकते हो डैमेज काफी तगड़ा वाला देता है गाइस। देख सकते हो मेरे हार्ट्स कितना ज्यादा डैमेज हो चुके, कम हो चुके, और देख सकते हो ब्लास्ट भी कितना ज्यादा तगड़ा गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूल ना भूलिएगा अपने हमारे चैनल को गाइस, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिलती रहे गाइस।
तो गाइस मिलते हैं अगले गेम में एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा गाइस, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और आपको डिस्कॉर्ड की भी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो गाइस। तो गाइस मिलते हैं अगले गेम में एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।